अपने आप को समझते क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम यही चाहते हो ना कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी ये घर छोड़ के, नहीं जाऊंगी मैं घर छोड़ के, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाना, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? सोना बेटा, कितनी अजीब बात है ना, मैंने कब कहा तुमसे कि तुम यहां से चली जाओ? मैं तो बस तुम्हें, तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं, तुम फ्री हो जाओगे ना, मजे करोगे, इसलिए तो बार बार उस कैलेंडर पे मार्क करते रहते हो, बार बार मुझे याद दिलाते हो कि तुम कब जा रहे हो, कब जा। मैं क्यों कहूंगा तुम्हें यहां से जाने के लिए? मैं क्यों चाहूंगा कि तुम यहां से जाओ? तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना उदास हो जाऊंगा, कितना अधूरा। कुल्ला कुल्ला झूठ भी बोलने लगे हो। तुम बेकार में ही मुझ पे गुस्सा हो रही हो। यहां से जाने का फैसला तुम्हारा था, मेरा नहीं। शादी के पहले दिन से तुम यहां से जाना चाहती थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम यहां पे रहना चाहती हो? आज तक मुझे ये लगा कि तुम इस घर में खुश नहीं हो, और तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये सब कह रहा हूं। मुझे अब तक यही लग रहा था कि तुम इस घर में रहना ही नहीं चाहती। मैं जो भी चाहती हूं तुम मुझे समझा तो सकते थे ना? तुम्हें समझाता मैं? हाँ तो तुम समझाते, आखिर हस्बैंड हो तुम मेरे। क्या क्या कहा तुमने? मैं कौन हूं तुम्हारा? हस्बैंड, ऑफिशियली सही, समझा के ट्राई भी तो करना चाहिए ना, और बोलना चाहिए ना कि सुहाना ये घर छोड़ के प्लीज मत जाओ। अपना घर छोड़ के कोई जाता है क्या? मैं तुम्हें समझाता और सुहाना बाजपाई समझ जाती। क्यों नहीं समझती? एटलीस्ट तुम्हें दो तीन बार तो ट्राई करना चाहिए ना। सुहाना बाजपाई अपने पति की बात सुने और उसे समझे, वाह कितनी भोली पत्नी मिली है मुझे। शट अप, पत्नी मत बोलो, वाइफ बोलो। और कब नहीं समझी मैंने तुम्हारी बात? तुम्हारे उस खटारा स्कूटर पे भी बैठ के गई हूं मैं,
और तुमने कहा कि फैमिली वालों से जाके बोल देना कि तुम घर छोड़ के जा रही हो। एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया, बोल नहीं पाई, वो मैं मानती हूँ। तो अब तुम बार बार यहाँ से जाने की धमकी नहीं दोगी? Are you sure? अब तुम जिंदगी भर इसी घर में रहोगी? सोनम, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सोना, हमारी शादी अभी शादी नहीं है। आई मीन तो क्या हो गया? वो तो हम दोनों के बीच की बात है ना। उसे ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हो गया फैसला, अब मैं यही रहूंगी इसी घर में। ये मेरा घर है अपना। लेकिन तुम मुझे बार बार जाने के लिए बोलोगे नहीं, इज दैट क्लियर? अरे सरला, उमा की बहू के बारे में पता चला? कितनी बड़ी चढ़ी बातें करती थी, फूटी कौड़ी तक नहीं लाई। माँ जी चाय। इतने दिन हो गए तुम्हें इस घर में रहते, पर जरा भी संस्कार नहीं सीखे तुमने। संस्कार? आज तक मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं बोला। टच हो क्या हुआ माँ जी? माँ जी की बच्ची देख रही है, घर में मेहमान आई है, कम से कम ढंग के कपड़े गहने पहन लेती। क्या सोचेगी मालती बहन हमारे बारे में? अपनी बहू को कपड़े गहने भी नहीं दिए मैंने। हेलो आंटी, इससे ज्यादा गहने वो और क्या पहनेगी? माँ जी, मैं रसोई में काम कर रही थी इसलिए हल्के कपड़े पहने। दीजिए सरला बहन, रसोई हो या घर का कोई कोना, अच्छे घर की बहू हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर, ढेर सारे गहने पहनकर सच सवर कर रहती है। आखिर घर की इज्जत का भी तो सवाल है। सुभद्रा, कैसे कहूँ कि मेरा सिंदूर खत्म हो गया है? कितना अपशकुन है ये। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। क्या सोच रही है? खाना खाया तुमने? ऐसा कभी हुआ है कि आपने ना खाया हो और मैंने खा लिया? औरतों का धर्म है पहले पुरुषों को खिलाना फिर खुद खाना। OMG, मतलब पहले ईशान खाएगा फिर मैं खाऊंगी? ठीक है, तुम आ जाओ, मैं इंतजार करता हूँ। गुड बहू बनना है ना, तो सब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पहले ईशान खाना खाएगा फिर सुहाना वाजपेयी खाना खाएगी।
हेलो, आगे क्या? अरे आगे क्या होने वाला है? खत्म कर दिया। हे भगवान, कैसे कैसे परीक्षाएं लेगा तो कैसे कैसी। आज अगर मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं मिला तो तेरी कसम, तेरी इस आरती के सामने से हाथ नहीं हटाऊंगी। आज देखती हूँ मेरी तपस्या, साधना, आराधना जीतती है जनियती। बहु बनना बहुत डिफिकल्ट काम है। जाना है? हाँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ, क्यों नहीं। यू पकड़ दे इसके अंदर, हल्के हाथ से, और ज्यादा जोर से फूंक मारने की जरूरत नहीं है, हल्के से मार। कोई बात नहीं बेटे, कोशिश करो, फिर से करो। चलो कितना सुंदर शंख बजा। देखो शंख को हमेशा तीन बार बजाते हैं। बजा, ओ बजा। अब रोज तुम ही बजाना। ला, अब तुम ये भगवान जी की आरती सारे घर में दिखा के लाना। दिखा दो मतलब ऐसे दिखा दो? दिखाओ मतलब यूं। जो दिखा ऐसे बजाओ, अभी जाओ। तुम सुहाना हो? Yes, Dad, मैं ही सुहाना हूँ। तुम सच में सुहाना हो? Yes, Dad. आप बैठिए, मैं पूरे घर में धूप आरती करके आती हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। okay. आज से मैंने पूजा शुरू कर दी है। पूजा? और आज मैंने शंख भी बजाया था। शंख? तीन बार बजाना पड़ता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? बड़ी माँ से पूछिए। बड़ी माँ? हाँ हाँ समधी जी, अब तो आपकी बेटी हमारी बहू बन चुकी है पूरी तरह से। अब आप बैठिए, जाइएगा मत, खाना हमारे साथ खा के जाइएगा। नहीं बेटे, मैं तो बस यूं ही गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों से मिलके चला जाऊं। मैंने
संजू को प्रॉमिस किया है कि मैं डिनर उसी के साथ करूंगा। संजू आपकी बेटी है डैड, मैं क्या हूँ? ऐसी बात नहीं है, तुम हमारी बेटी हो। बेटी? पर बड़ी माँ, मैंने तो सोचा मैं अच्छी बहू बनने की प्रैक्टिस कर रही थी। तो तुम्हें क्या लगा, इस घर की बहुएं क्या बेटियों से कम है? ओके ओके डैड, आई एम गेटिंग लेट, बाय, सी या। क्या कर दिया आप लोगों ने, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरी सुहाना है। मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाया। आज मुझे एहसास हुआ कि मां के होने पर बच्चों पर क्या असर होता है। शैलजा जी, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए समधी जी, जो आपने हमें इतनी प्यारी बेटी दी। क्या हुआ? कॉफी चाहिए? मैं रसोई में आप लोगों की मदद करने आई। आप लोग जैसा खाना तो मैं बना नहीं सकती, पर खड़े खड़े देख तो सकती हूँ ना। क्या बना रही हैं आप लोग? हाँ, इसमें दादाजी और मीठी के लिए स्टू बना है, और ये रोटी बन रही है। मैं क्या बनाने में आप लोगों की मदद करूं? अब सुहाना, तुम्हारे पापा बाहर अकेले बैठे हैं ना? हाँ, पर वो चले गए। मैंने उनसे कहा भी था कि आप प्लीज खाना खाकर जाइए, पर संजू घर पर अकेली है ना, इसीलिए चले गए। हाँ। आपने बताया नहीं क्या बनाने में मदद करूं? सुहाना, ये पल्लू सर पे, मतलब एक्चुअली दिशा दीदी, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तुम दूर से प्रैक्टिस करो ना सुहाना। हाँ, मैं जा रही हूँ, मुझे लेश की शर्ट प्रेस करनी है और प्रेस का प्लग टूट गया, ठीक है, आप संभाल लें। नहीं 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 दिशा, इसके पास मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। पता नहीं इसे आज क्या हो गया है, मैं नहीं रहूंगी इसे। दी, मुझे सचमुच ही लेश की शर्ट प्रेस करनी है। नहीं, मत जाओ ना तुम। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, इलेश भैया की शर्ट मैं प्रेस कर देती हूँ। तुम? हाँ। सुना नहीं इसने क्या कहा अभी अभी कि इस्त्री तो खराब हो गई है। हाँ, प्लग टूट गया है। कैसे करोगी तुम? मैं एक काम करूंगी, मैं प्रेस को तवे पर रख के गरम कर लूंगी और शर्ट प्रेस कर दूंगी, ठीक है। अब एक अच्छी बहू बनने के लिए हर कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ेगा, है ना? अच्छी बहू? हाँ, अच्छी बहू। सुहाना, ये क्या देख रही हो छलनी से? मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छी बहू इस छलनी से क्या देखती है। झाड़ू। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।